नमस्कार। हाल ही में हुए यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद पूरी दुनिया में फाइटर जेट के विकास को लेकर होड़सी मच गई है। लगभग सभी देश अपने फाइटर जेट विकास कार्यक्रम को लेकर काफी एक्टिव और सजग दिखाई देते हैं। हाल ही में मिली रिपोर्टों के माने तो अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसका नाम NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस है, कि कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसने पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर यह फाइटर जेट कितने उन्नत तकनीकों से मिलकर बना होगा। और चूंकि यह 6th जनरेशन फाइटर जेट है तो यह अनमैन्ड होगा, लेकिन उसके अंदर किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी और इनकी मारक क्षमता क्या होगी, तो आइए जानते हैं पूरी बात। 6th पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम एक एविएशन इंडस्ट्री के सबसे दिलचस्प बातों में से एक है, जिसमें गुप्त हथियार विकास परियोजनाओं में भी शामिल है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में करीब 2 श्रेणियों के गुप्त हथियार बनाए जा रहे हैं। एक तो वो जिनके बारे में पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा होती है, वहीं दूसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया को कुछ कम ही पता है। अगर हम बात करें तो चीनी और रूसी कार्यक्रम इसी दूसरी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ के बनाए गए हथियार और फाइटर जेट्स की चर्चा पूरी दुनिया में कुछ कम ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें जापान, यूरोप, अमेरिका जैसे देश जिनके विकास के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम पहली श्रेणी में आते हैं और इनकी चर्चा पूरी दुनिया में बहुत जोर शोर से होती है। इसी के बीच अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, 6th जनरेशन फाइटर जेट NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस परियोजना की बात की है और इसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं। वहीं इसकी समय रेखा यानी यह कब बन के तैयार होगा, इसका बजट क्या होगा, इसकी चर्चा भी जोरों पर है। दोस्तों, अमेरिका एयरफोर्स ने यहां तक रिपोर्ट में बताया है कि इस जेट का एक प्रोटोटाइप भी उड़ाया गया था। हालांकि यह NGAD जो फाइटर जेट है वो टेम्पेस्ट फाइटर जेट से पूरी तरह अलग है। वही अमेरिका ने विशेषताओं की बातें भी की है कि आखिर इस NGAD फाइटर जेट में किस तरह की विशेषताएं होंगी। इसमें 3D रेंडर्स की गणना भी की जा सकेगी। अनमैन्ड तो होगा ही, वही इसमें जो नेविगेशन होगा वो भी नेक्स्ट जनरेशन का होगा, जिसमें FCAS और FX जैसी हाई डेफिनेशन विजुअल्स भी इसमें पूरी तरह से दिखाई देंगी। वहीं NGAD फाइटर जेट भी पूरी तरह अनमैन्ड होगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल सेंटर में बैठा हुआ आदमी इसको रिमोट से पूरी तरह कंट्रोल करेगा। वहीं दोस्तों, अगर इसकी खरीद यानी एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह NGAD का कार्यक्रम अमेरिका में पूरी तरह से 5th और 6th जनरेशन की फाइटर जेट की परचेज से पूरी तरह अलग होगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइंस और इसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो NGAD की नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के भी सिर्फ फोटोग्राफ ही सामने निकल कर आई हैं अभी तक। दोस्तों, अगर हम बात करें तो साल 2015 में इसकी कुछ फोटोग्राफ्स सामने निकल कर आई थी, जिनमें नॉर्थॉप गुमन लेजर टोइंग फ्लाइंग विंग के जरिए ये फोटोग्राफ सामने की गई थी। वहीं अब 2021 में इनकी डिज़ाइंस पर दोबारा गौर किया जा रहा है कि आखिर इसके डिज़ाइंस में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं। इसी पर अगर आप बात करें तो नॉर्थॉप गुमन प्रचार वीडियो में भी कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस निकल कर आए हैं, जिसमें कंप्यूटर द्वारा डेवलप्ड मॉडल से भरा एक हैंगर भी दिखाया गया है, जिस पर इस कंपनी ने बताया है कि अभी कंपनी इसके डेवलपमेंट पे काम कर रही है और प्रोटोटाइप में डिफरेंट सिमुलेशंस मॉडल भी रन किए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट में काफ़ी काम होना बाकी है, अभी तो खाली प्रोटोटाइप के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात जिसमें हमने आपको बताया कि अमेरिका के NGAD प्रोग्राम में काफ़ी जोरों से काम चल रहा है और इसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने आई हैं, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताया है। नमस्कार।